हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा के लेके कॉम्प्लेक्स डेटा को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब डायनेमिकली कॉलम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैंने डायनेमिक कॉलम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ, बट ये जो वीडियो है, आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कैसे आप कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, यानी कि एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ, एकदम सीधा आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि इस तरीके का नेस्टेड डेटा अगर स्ट्रक्चर अगर फ्लैट लेवल का, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हो डायनेमिक कॉलम करके, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें मैंने फ्लैट कवर किया, यानी ये सारे प्रॉपर्टीज अगर है तो कैसे कर सकते हो अगर फ्लैट लेवल पर, जैसे नेम उसका नाम वैल्यू है, ईमेल है उसका वैल्यू है, फोन नंबर वैल्यू है, लेकिन जैसे एड्रेस या फिर इसके अंदर और भी नेस्टेड है, कितना भी नेस्टेड रहे, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप स्ट्रक्चर रहे, उसको कैसे बहुत ही इजीली ज़्यादा बिना कोड लिखे हुए कैसे आप इस तरीके का टेबल खूबसूरती से बना सकते हो बिना ज़्यादा मेहनत की हो। ठीक है, बहुत कम से कम मेहनत करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स एक तरह से बोल सकते हो नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर के जो हमारा डेटा होगा एक्चुअल उसके उसको यूज़ करके, मतलब उसमें से कैसे हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि डायनेमिक कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, ये हम लोग यहाँ पे ऐसे भी करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ एडमिशन अगर आप देखेंगे, एक्चुअल प्रॉपर्टी तो कुछ इस तरीके से अंडरस्कोर है, बट थोड़ा सा भद्दा लगता है अगर उसको हम लोग टेबल में दिखाना, क्योंकि हम लोग डायनेमिकली दिखा रहे हैं, तो हम लोग नहीं बोल सकते कि भाई ये कोई इंसान नहीं, कि बोलेंगे भाई डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एडमिशन जो है ना उसमें अंडरस्कोर है, तो प्लीज़ भाई उसमें से हटा देना। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, ये तो भाई सिस्टम है, प्रोग्रामिंग है, कोडिंग कर रहे हैं ना, तो कैसे इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते देखेंगे बहुत ही सिंपल, बहुत ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि मैं बहुत भाई यहाँ पे खुश हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैंने बोला था आप कमेंट करोगे तो बताओगे, हालांकि आप कमेंट नहीं भी करते हो तब तो भी मैं वीडियो बना देता हूँ, बट मेरे को वो चीज़ समझ में आना चाहिए, आइडिया जब तक माइंड में ट्रिगर नहीं करता तब तक मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो फाइनली दिमाग में आया कि हाँ भाई ऐसा 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 करके कर सकते हैं, तो मैंने ट्राई किया और काम कर गया। तो चलिए देखते हैं, तो अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो वो आपको मिल ही जाएगा, ऑब्वियसली मैं कुछ देर पहले ही पुश किया, ठीक है, 13 मिनट नहीं बहुत पहले हुआ, बट जो भी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करेंगे, पहला लिंक बेसिक टेबल का, ये ब्रांच का, अगर आपको मेरे साथ अगर आपको सीखना है, ठीक है, ट्राई करना है कि भाई देखते हैं कैसा होता है, तो सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना, आपको कोड में क्लिक करना है, डाउनलोड जिप पे करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसको VS कोड में ओपन करना है, npm इंस्टॉल रन करना है, और फिर npm रन dev रन कर देना। ठीक है, अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ लिखना होगा कॉम्प्लेक्स, ये दिए देखो कॉम्प्लेक्स डायनेमिक कॉलम्स, ठीक है, तो आपको ये फाइनल कोड मिल जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस के साथ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, हाँ तो भाई मेरे, मैंने यहाँ पे स्टार्टर कोड को ओपन कर लिया और मैं रन करने वाला हूँ npm run dev, जो कि आपको पता है कि बेसिकली ये जो स्टार्टर कोड को रन करेगा, ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर पे 5173 पोर्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भाई ये रन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो, तो ये रन हो रहा है, तब तक हम लोग अपना कोडिंग में चलते हैं और देखते हैं जो हमारा बेसिक कोड है app.jsx फाइल, इसको देख लेते हैं, ये ओपन हो ही चुका है, लेकिन स्क्रॉल डाउन था तो हमको लगा भाई गायब हो गया क्या। ठीक है, तो हम लोग डायनेमिक कॉलम्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि कॉलम्स को स्टैटिक स्टैटिक यानी जो हम लोग डिफाइन कर देते हैं लिख के हार्ड कोडेड फॉर्म, वैसा नहीं करने वाले हैं हम लोग, इसको एक एक करके नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको डायनेमिकली क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, तो मैंने ये तो बताया था पिछले वीडियो, बट फिर से हम लोग देखते हैं और हम लोग देखेंगे इस बार नेस्टेड, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा टेबल, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट कॉलम्स और यहाँ पे बनाते हैं कैसे, तो जो भी एक स्टूडेंट्स है, जैसे स्टूडेंट्स में पूरा स्टूडेंट्स का एरे आ रहा, हो सकता है कि आप डेटा को फेच कर रहे हैं उसमें से, मान लो एरे में 100 आइटम आ रहा, 1000 आ रहा, उससे मेरे को मतलब नहीं है, जो भी आ रहा हो तो एरे फॉर्मेट में आएगा ना भाई। ठीक है, एरे में आएगा, यहाँ 100 आइटम है एरे में आएगा। ठीक है, इसको मैं साइड में ओपन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। ठीक है, आप इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे इसको इस तरीके से बस आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्या चल रहा है। तो इसमें बहुत सारा आइटम एरे में आने वाला है इस वेरिएबल में, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से कोई एक को उठा लेंगे, क्योंकि लगभग लगभग सबका सब में सेम फॉर्मेट है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट एट लिखेंगे, जो जावास्क्रिप्ट के एरे का नया मेथड है शायद एट, और उसमें हम लोग कोई भी आइटम उठा लेंगे, तो 0 को लेते हैं, क्योंकि भाई कोई भी आइटम उठाएं हमें उसका वैल्यू अलग होगा ऑब्वियसली, हम बट हमें कॉलम डिफाइन कर रहे हैं ना भाई, तो हमें वैल्यू से क्या मतलब, हमें तो बस प्रॉपर्टी से मतलब, हर एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ एड्रेस है तो यहाँ थोड़ी लिखा होगा पता या फिर घर का पता, वहाँ पर भी एड्रेस ही लिखा होगा है ना, तो 0 आइटम का एक्सेस करेंगे, नहीं फर्स्ट वाले आइटम को, आप किसी भी आइटम को एक्सेस कीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एक्सेस कर लिया, अब क्या करेंगे इसके सारे हम लोग प्रॉपर्टीज़ को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इसको कट कर ले रहे हैं, मतलब इसको स्टूडेंट डॉट एट 0 की नहीं पहला ऑब्जेक्ट को लिया, अब इसका सारा प्रॉपर्टीज़ को निकालने के लिए इसको कट क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज एक फंक्शन होता है, ठीक है, टॉप लेवल का ये सारा फंक्शन है, तो इसमें अगर पास कर देंगे ना ये वाला जो पेस्ट की, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट डॉट कीज में अगर पास कर दिए हम लोग एक ये एक्सेस करके ये वाला ऑब्जेक्ट, तो इसका सारा प्रॉपर्टीज हमें एरे फॉर्म में दे देगा। आपको हम पिछला वीडियो में दिखाए भी थे, मतलब जो इसका वीडियो था कॉन्सोल लॉग में, कि इसका एरे फॉर्मेट में सारा कीज दे दिया। अब जब हमें सारा कीज मिल गया है, ठीक है, सारा कीज हमें जब मिल गया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मैप करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, इसको ना एक बार कॉन्सोल लॉग करके देख लेते हैं, क्यों आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं कॉलम्स, लिखेंगे सेम सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं फिलहाल के लिए कॉलम्स, क्या लिखे अंडरस्कोर कॉलम्स देते हैं, ठीक है, ताकि वो क्लैश ना करे ऊपर में भी कॉलम्स है ना, और यहाँ पे इस तरीके से देते हैं
इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, ठीक है, कॉन्सोल लॉग करके। तो यहाँ पे 10 आइटम आया है, देखो नेम, आईडी, ईमेल वगैरह वगैरह वगैरह। एक है इंटरेस्टिंग चीज़ है एड्रेस। अब भाई देखो एड्रेस को तो ये बोल रहा है, बट प्रॉब्लम ये ना कि हमें सिर्फ एड्रेस नहीं चाहिए। मैंने पिछले बार इसको स्किप कर दिया था, इनस्टेड ऑब्जेक्ट था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग मैंने इसको स्किप कर दिया था। अब बात है कि हमें तो सिर्फ यहाँ एड्रेस नहीं चाहिए भाई, हमें इसका पिन कोड, स्ट्रीट, स्टेट, ये सारा कुछ चाहिए ना, क्योंकि एक्सेसर की में तो हमें देना पड़ेगा। अगर नेस्टेड वाला है तो हमने कैसे दिया था? देखो हमने तो सिर्फ नहीं लिखा था कि एड्रेस, तो इसको कैसे समझ में आ गया? इंसान थोड़ी है कि नहीं भाई ठीक है एड्रेस के अंदर ना पिन कोड, हम पिन कोड दिखा देंगे, चिंता मत करो, ऐसा तो नहीं करेगा ना। हमें बताना पड़ेगा एड्रेस डॉट पिन कोड, एड्रेस डॉट सिटी, एड्रेस डॉट स्ट्रीट, एड्रेस डॉट स्टेट, ठीक है, ये चारों इस तरीके से है ना। तो कैसे करेंगे उसके लिए, जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, उस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे फ्लैट ऑब्जेक्ट, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, फ्लैट ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, फ्लैट पैकेज, npm इंस्टॉल फ्लैट, ठीक है, और इंटरप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम इसका पैकेज ओपन करते हैं। देखिए सिंपल है, इसमें से फ्लैट एंड फंक्शन आता है, जिसमें कि अगर ऑब्जेक्ट पास करेंगे ना, और देखो कितना निस्टेड है, लेकिन आपको क्या देगा इस फॉर्मेट में देगा, और हमें तो भाई यही फॉर्मेट में चाहिए ना। ये देखो इसी फॉर्मेट में तो हमें चाहिए था, क्योंकि एक्सेसर की तो ये इंस्टॉल भी हो गया। एक्सेसर की अगर आप देखोगे, एक्सेसर की भी तो इसी तरीके से, अगर आप एड्रेस का चेक करोगे, ये देखो एड्रेस डॉट सिटी, एड्रेस डॉट पिन कोड, हमें तो यही फॉर्मेट में चाहिए था ना, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें सिंपली एड्रेस मिल जा रहा है। कॉन्सोल लॉग पे देखो ना, सिंपली हमें एड्रेस मिल जा रहा है, हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए एड्रेस डॉट स्ट्रीट, एड्रेस डॉट पिन कोड, एड्रेस डॉट सिटी, एड्रेस डॉट स्ट्रीट, है ना। और फ्लैट फंक्शन यही कर रहा है, तो इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या तो आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ जाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट कर दिए। और ये जो फ्लैटन फंक्शन है, इसको हम लोग पास कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और फ्लैटन फंक्शन के अंदर इस ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे, तो क्या करेगा, ये पहले ऑब्जेक्ट को फ्लैटन कर देगा, और फिर जो है उसके अंदर से कीज निकलेगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज के थ्रू, ठीक है। अब देखना इस बार ये रिलोड हो रहा है, देखना, ये देखो आ गया, आ गया एड्रेस डॉट पिन कोड, एड्रेस डॉट सिटी, एड्रेस डॉट स्ट्रीट, एड्रेस डॉट स्टेट, ठीक है, आ गया। काफ़ी खूबसूरती के साथ आपको कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, कितना सिंपली आ गया, है ना। अब जब ये आ गया भाई, तो हमारा यहाँ तक काम हो गया, आपको समझ में आ गया क्या आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैप करेंगे, ठीक है, मैप करेंगे, और हर एक उस एरे के आइटम को कॉलम आईडी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, जो मन करे भाई तुमको, ठीक है। और हमें रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब रिटर्न ऑब्जेक्ट करना तो ऐसे करेंगे, समझ जाएगा कि फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, हमें राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे किसी एक का आइटम का कॉपी कर लो, हालांकि आप लिख भी सकते हो, लेकिन चलो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर में हमें रिटर्न करना है, क्योंकि हम लोग डायनेमिक कॉलम्स डिफाइन कर रहे हैं। और एक होगा आईडी, ठीक है, अब आईडी नहीं देने से भी चलता है, लेकिन दे देते हैं, तो यहाँ पे आईडी में देते हैं, अब इसको क्लोज कर देते हैं, आप समझ गए होंगे। आईडी में कॉलम आईडी देते हैं, कॉलम आईडी यानी कि इसके बारे में बातचीत हो रहा है, हर एक जो ये आइटम है इसके बारे में बातचीत हो रहा है, क्योंकि हर एक आइटम मैप हो रहा है ना। और एक्सेसर सब में वही कॉलम आईडी देंगे, इसमें भी कॉलम आईडी दे दी, इसमें भी कॉलम आईडी दे दी, ठीक है, ठीक है। अब जब यहाँ बारी आएगा इसका, यहाँ एड्रेस और पिन कोड होगा, तो ऑब्जेक्ट में से एड्रेस और पिन कोड का वैल्यू निकाल लेगा और उसको शो कर देगा, ठीक है। खाली एड्रेस देने से तो नहीं होता ना भाई, समझ गए। अब इसको क्लोज करते हैं, और ये जो है इस तरीके से सारा एक बार इसको रिलोड कर देते हैं भाई, ठीक है, ताकि तसल्ली हो जाए मन को कि हाँ भाई सब कुछ सही है। हाँ, तो भाई मेरे यहाँ पे जो है ये रिलोड हो चुका है, अब देखते हैं यहाँ पे सब कुछ सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है सब कुछ सही आ रहा है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है कि भाई इतना भी सही नहीं आना चाहिए था। लोकल होस्ट पोर्ट कितना पे चल रहा है, 5173 पे सही है। रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे ये चीज़ कैसे काम कर सकता है ऐसे भाई, रुक जाओ। नहीं मतलब कॉलम आए, ओ अरे भाई यार, सो अच्छा रुको रुको, बताया हम क्यों कन्फ्यूज हो गए, बताते बताते एक सेकंड, ये इतना परफेक्टली कैसे काम कर गया। हाँ तो सिटी नेम आना नहीं चाहिए, मतलब एरे में आ रहा था एड्रेस डॉट सिटी नेम ना, तो वही तो एक्सेसर की में क्या मानते, हेडर में भी तो वही गया ना। अरे भाई तो कॉलम्स को मैं ऐसा ही नहीं कहाँ किए, ये तो बस टेस्टिंग कर रहे थे। अरे इसको कमेंट करना पड़ेगा, हम भी सोचे भाई कि इतना परफेक्टली काम, क्योंकि एक चीज़ है जो नहीं होने वाला था जो कि हो गया, तो हम वही सोच रहे थे काम कैसे किया। अरे भाई जो हम लोगों ने नया डिफाइन किया, इसको तो ऐड ही नहीं किया, और हम रिलोड करके देख रहे हैं ना, सॉरी, इसको कमेंट कर देते हैं। और ये कॉलम साफ सही है, ये पुराना वाला कटाते हैं, लेकिन इसको एक चीज़ और करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, इसको कट करके ना यूज़ मेमो अंदर डाल देते हैं, ताकि वो बार बार रिक्रिएट ना हो। सेम ही चीज़ है, बस यूज़ मेमो हुक में एक फंक्शन कॉल करना और उसमें रिटर्न कराना ये वैल्यू, तो वैल्यू को मतलब मेमोइजेशन जो ऑप्टिमाइज कर देगा, बस। अब ये चीज़ हुआ, आप देखो वही तो सोचे कि यार इतना परफेक्टली कैसे काम कर गया, क्योंकि नेम उस तरीके से खूबसूरती से एन कैपिटल आ रहा है, कैपिटलाइजेशन कैसे हो गया, क्योंकि ये वही चीज़ है जो आपका ऑब्जेक्ट के अंदर था, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जिस तरीके से था, ठीक है, ठीक है। जैसे कि
इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। ये देखो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इस तरीके से आ गया, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पे जो है, अगर आप स्क्रॉल, ये देखो डेट अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर बर्थ, डेट अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर एडमिशन, एड्रेस डॉट पिन कोड लिखा हुआ रहा है, एड्रेस डॉट सिटी लिखा हुआ रहा है, एड्रेस डॉट, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग सुधारेंगे, बट देखो ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। इसको अगर रिलोड करें तो एक बार देख लेते हैं, सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो तो आईडी आ रहा है और नेम सब कुछ देखो इस तरीके से हो गया, डायनेमिकली बन गया। अब प्रॉब्लम बस एक ही चीज़ है कि ये जो हेडर का नेम है ना, ये थोड़ा सही आ जाए भाई, ऐसा नहीं चाहिए था ना कि यहाँ पे भद्दा नहीं लग रहा है एड्रेस डॉट पिन कोड भाई, ऑब्वियसली काम नहीं करता अगर ऐसा नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा हेडर नेम थोड़ा लग रहा है। कैसे करेंगे उसके लिए, हम लोग करेंगे लोडेश को इंस्टॉल, ठीक है। लोडेश हम लोग बहुत ईजिली यूटिलिटी फंक्शन लाइब्रेरी है तो उससे कर सकते हैं इजिली, अब ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल होने देते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। बहुत ही अच्छा पैकेज है, ये हो गया। और यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो हेडर है ना इसमें कॉलम आईडी जा रहा है, तो इसमें हम लोग लोडेश का फंक्शन पास करेंगे। सबसे पहले पास करेंगे लोडेश डॉट अपर केस, ठीक है, अपर केस। तो इसमें करने से दो फायदा होगा, अपर केस हाँ ठीक है, ठीक है, अपर केस कर देते हैं। अभी मेरे दिमाग में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपर केस कर देंगे तो पता है क्या होगा कि अपर केस तो हो जाएगा प्लस, जो अपर केस हम किस लिए कर रहे हैं पता है, अपर केस करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जो अंडरस्कोर है ना ये हटाने के लिए, हट जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और ये देखो, ठीक है, वो हट गया था ना, ये देखो। अब आपको चाहिए कि भाई ठीक है हेडर का नेम अपर केस में ही रखना, तो मस्त लग रहा है ये चीज़, सही है, ठीक है, तो वो भी चलेगा। लेकिन मेरे को चाहिए कि अपर केस में नहीं चाहिए, मेरे को अंडरस्कोर हटाना था, इसलिए अपर केस या लोअर केस करेंगे तो अपर केस लोअर केस होगा, साथ में अंडरस्कोर हट जाएगा, लेकिन मेरे को अंडरस्कोर हटाना था। तो अब क्या करते हैं, इसको और चीज़ करते हैं और फिर यहाँ पर कट करके कैपिटलाइज करते हैं, तो क्या होगा कि पहला लेटर कैपिटल बाकी सारा स्मॉल, ठीक है, वो मेरे को ज़्यादा सही लगता है, उसके अंदर पास कर देते हैं तो हमारा अंडरस्कोर भी हट जाएगा और भाई वो चीज़ अपने स्टाइलिंग भी पकड़ लेगा, ये देखो, ठीक है, हो गया है ना। अरे भाई काम तो कर जा, ये देखो, हाँ अब मस्त लग रहा है ना, मस्त लग रहा है भाई, बहुत ही खूबसूरत। अब एक चीज़ रहा कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है भाई, एड्रेस पिन कोड और एड्रेस सिटी एड्रेस स्ट्रीट, ये वाला चीज़, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, तो अब कैपिटलाइज और अपर केस करने से पहले क्या था, एड्रेस डॉट पिन कोड था ना, एड्रेस डॉट सिटी था, एड्रेस डॉट स्ट्रीट था कि नहीं, है ना। कैपिटलाइज और अपर केस करने से पहले यानी कॉलम आईडी डायरेक्टली क्या था ना, तो उसको कैसे करेंगे पता है, उसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, कॉलम आईडी को कर लेते हैं स्प्लिट, स्प्लिट कर क्या कैसे करते हैं, बाय डॉट से, क्योंकि स्टार्टिंग में याद करो क्या था, एड्रेस डॉट पिन कोड था, एड्रेस डॉट सिटी था, यहाँ लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है ना। अगर यहाँ पर एक्सेस करके देखें, कॉलम आईडी डॉट स्प्लिट कर लेते हैं डॉट से, और लास्ट आइटम को हम लोग ये करेंगे, क्या बोलते हैं, लास्ट आइटम हमें चाहिए, क्योंकि हर में तो सेम ही रहेगा ना, लास्ट आइटम जो है वही एक्चुअल में डिफाइन करेगा कि सिटी स्ट्रीट है पिन कोड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डॉट एट और फिर माइनस वन, ठीक है, ठीक है, ये देखो हो गया जादू, सिटी स्ट्रीट पिन कोड मतलब पिन कोड सिटी स्ट्रीट स्टेट, ठीक है। और बाकी में था नहीं डॉट, तो वो तो ऐसे भी नहीं होने वाला, जो निस्टेड है उसको ये सॉल्व कर देगा, बाकी देखो तो लग ही नहीं रहा है। आप कितना कम से कम मेहनत में बस 4 से 5 लाइन का कोड लिखे और आप डायनेमिकली यहाँ पे बना दिए, कितना से बड़ा टेबल है, तो आप कैसे कर सकते हो, बहुत ईजिली कर सकते हो, आपको मेहनत करने का जरूरत ज़्यादा नहीं है कि आप स्टैटिकली हर एक कॉलम को डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पर @ तूफानी कोडर मेरा अकाउंट है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।